शुरुआत में आज के इस पावन दिन में हम सभी व्यूअर्स के लिए, सभी मेहमानों का एक मुनाफे का मोदक ले रहे हैं। आपसे हम कन्विक्शन कॉल लेते हैं, आपसे हम भसीन के भरोसेमंद शेयर लेते हैं। आज मुनाफे का मोदक हमारे व्यूअर्स के साथ आप क्या शेयर करेंगे भसीन साहब? तो मुनाफे का मोदक एक नहीं, दो गुना है सर। दो बैंक ऐसे बोल रहा हूं जो अगली गणेश चतुर्थी पे आप सच में याद रखेंगे कि आपने ये दो मोदक डबल खाया। पहला है बंधन बैंक, और उसका कारण बताता हूं। बंधन बैंक में कोई इक्विटी डाइल्यूशन नहीं थी, आपको पता है प्रमोटर ने अपना स्टेक कम करना था। लोग बात भूल रहे हैं, बंधन बैंक के जो एनपीए और रिकवरी रेट इज इट्स द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। ए बी जो आसाम में प्रॉब्लम थी वो ऑलमोस्ट ओवर होके अब पॉजिटिव में आ गई। और सी, आपको याद होना चाहिए वरिंदर, एक कंपनी थी सबसे प्रॉफिटेबल लो मॉर्गेज लेंडर, ग्रू फाइनेंस। ग्रू फाइनेंस गिव्स यू द 15 लाख वाली टिकट जो हाउसिंग है, वो इसमें मर्ज हो चुकी है। तो दे हैव अ रेडीमेड प्लेटफॉर्म फॉर रियल एस्टेट, और जो मॉर्गेज फाइनेंस है उसमें इट इज गोइंग टू बी अ मिनी HDFC। एट दीज वैल्यूएशंस आई थिंक बंधन बैंक श्योर शॉट आपको 400 रुपए देगा अगली गणेश चतुर्थी पे। दूसरा होगा DCB बैंक, 80 रुपए का भाव है, इसमें बेस्ट डिस्क्लोजर्स है और इसको कैपिटल चाहिए नहीं। इट इज बैक्ड बाय द आगा खान ग्रुप, तो इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रांगली प्रमोटर फंडेड बैंक, और मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड ये 80 रुपए के भाव में बहुत फेवरेबल है। 150 रुपए का टारगेट है अगले गणेश चतुर्थी के इन दोनों के लिए। तो ये रहते हैं कि ये स्पेस कैसा नजर आ रहा है भसीन साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इससे, और इस स्पेस में आपके फेवरेट्स क्या हैं? नहीं हेमंत जी, पहले मैं आपको PSU और SBI पे बोल दूं। बताइए सर। SBI इज द लार्जेस्ट प्रमोटर इन यस बैंक, और आपको मैंने 12 रुपए पे ठोक के कहा था कि यस बैंक में सब बैड न्यूज आ गई है, उसके ऊपर सोने पे सुहागा मिस्टर प्रशांत कुमार, हु इज द CEO, इज एन एक्स SBI ऑफिसर, और उन्होंने टर्न अराउंड कर दिया। दे ऑलमोस्ट रिटर्न 78% ऑफ द बेस कैपिटल जो उन्होंने मॉरेटोरियम के टाइम पे लिया था। और मैंने आपको कहा अगर 2 साल का व्यू है तो यस बैंक का भाव 50 रुपए होगा। ऑल बैड न्यूज इज प्राइस्ड इन, इनफैक्ट देयर फ्रेंचाइज इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और अगर यस बैंक 50 रुपए की बात कर रहे हैं और यस बैंक यहाँ 12 से 18 हो चुका है, तो स्टेट बैंक का भाव इज अ नो ब्रेनर। मेरे हिसाब से सम ऑफ पार्ट्स अगर आप सब्सिडरी लगाए तो स्टेट बैंक द बैंक इज जस्ट अवेलेबल फॉर 60 रुपीज, एंड यू कांट गेट इट चीपर, 0.3 टाइम प्राइस टू बुक। तो आपने मोदक पूछा, तो मोदक में SBI will be the leading bank from the PSU pack, और PSU में आप देख रहे हैं re-rating कैसे हो रही है, HP, BP, IGL, NTPC, तो State Bank deserves to be at 250 at least by this Diwali। अलेफ, आपने सीरीज की शुरुआत में बताया था, कल गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी आपकी बात हो रही थी, ये स्पेस अब से लेकर इस सीरीज के अंत तक कितना और प्रदर्शन दिखा सकता है, मेरा पहला सवाल ये, और आपका अब व्यू क्या है इतनी बड़ी रैली के बाद? तो हेमंत जी, आपको याद है 140 रुपए पे DLF कहीं भी नहीं जा रहा था, और मैंने आपको 170 का टारगेट दिया कि इसी महीने आएगा, कल 164.5 गया है। देखिए हेमंत जी, सोना अगर 56,000 जाएगा, 57,000 और 60,000, द मनी विल फ्लो इन टू रियल फिक्स्ड एसेट्स, द स्मार्ट मनी। और ऐसा पैसा मैंने नहीं देखा। आज आप, मैं बताऊं, मेरे यहाँ जहां मैं रहता हूँ मैग्नोलिया के पास, जो इनका सबसे प्रीमियम एस्टेट है, माने 15 करोड़ का विला है, वो वहां पे अब अप्रिसिएशन हो रही है। अक्रॉस द बोर्ड स्मार्ट मनी इज बाइंग रियल इस्टेट एंड फिक्स्ड एसेट्स आर अगेन इन डिमांड, और उससे बड़ा कोई प्लेयर हो नहीं सकता, गोदरेज प्रॉपर्टी एंड DLF। DLF इज नाउ इन अ न्यू अवतार, जहां उन्होंने अपना डेट रिड्यूस कर दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव होगी, और ये अभी तो प्री कोविड है, कोविड ये जो लेवल्स है ये प्री कोविड है। सो आई थिंक ये दिवाली के बाद, इनफैक्ट 2021 विल बिलोंग टू रियल इस्टेट अनडाउटेडली। सरकार का सबसे ज्यादा एफर्ट है ऑन लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर ऑल, और जो आपके मॉर्गेज लेंडर्स हैं, एट दीज रेट्स दे आर बाउंड टू मेक मनी, बिकॉज प्राइसेस ऑफ लेंडिंग रेट्स आर एट द लोएस्ट। तो यहाँ पे मैं कहूंगा आप सिप कीजिए, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टी और DLF में तो चाल अभी शुरू हुई है। मेरा 1250 का टारगेट है ईयर एंड तक गोदरेज प्रॉपर्टी का, और 200 रुपए का टारगेट है DLF, और मैं आपको दोनों को दावे से कहता हूँ ये दोनों शेयर यहाँ से आउट परफॉर्म करेंगे।